अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, हमारे ये कंप्लीट हो गया था, नेक्स्ट हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं गर्मी की छुट्टियां। तो अभी भी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टियां जा रही हैं और कंटिन्यूसली हो रही हैं, और गर्मी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म भी होने वाली है। तो ये देखें गर्मी की छुट्टियों में कौन सी आपकी स्टोरी आ रही है, जिसकी आज आपने खुद से रीडिंग भी करनी है, तो शॉर्टकट मैं भी आप करवा दूँ। इस बार हफ्सा, साद और दानिश ने ये सोच रखा था कि गर्मी की छुट्टियाँ गुजारने के कोयटा जाएंगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने अबू को राज़ी किया। उनके अबू की टांग का ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने सफ़र की इजाज़त तो दे दी थी मगर भारी चीज़ें उठाने से मना किया था। इसलिए उन तीनों बच्चों ने यह फैसला किया कि अपने अपने अलग बस्ते बनाएंगे और उन्हें खुद ही उठाएंगे। हफ्सा के बस्ते में बहुत सी किताबें भी थीं। इतवार की शाम को सब लोग बस में सवार हुए। सब बस अपने वक्त पर चली, रास्ते में कहीं पहाड़ आए। थोड़ी देर में रात हो गई, अंधेरे में सफ़र का मज़ा ही नहीं आ रहा था। ना तो बाहर कुछ देख सकते थे और ना ही सो सकते थे, क्योंकि टेप रिकॉर्डर का शोर सोने नहीं दे रहा था जो उनकी बस में चल रहा था। ठीक है जी, सुबह जब बस 7 बजे कोयटा पहुंची तो हफ्सा ने सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर पड़ा सरियाप रोड, ये देखें जी, वहाँ पे एक स्टेशन उनका जो आया था पॉइंट, तो वो था जी सरियाप रोड। बस रुकी तो सब मुसाफिर उतर गए। वो सब टैक्सी करके होटल पहुँचे जहाँ उनके अबू ने कमरा लिया। सब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर को सब बाहर निकले। उफ, इतनी शदीद गर्मी, इससे अच्छा मौसम तो कराची में था, उन्होंने सोचा। ठीक है, वो कोयटा गए थे अपनी गर्मी की छुट्टियां गुजारने के, वहाँ पे मौसम अच्छा होगा, लेकिन वहाँ जाके उनको पता चला यहाँ तो और भी गर्मी है। इसका मतलब वो कराची में रह रहे थे, उनको तभी फील हुआ इससे अच्छा मौसम तो कराची में है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 34 पे, अबू ने एक आदमी से पूछा लियाकत बाज़ार कहाँ है। उस आदमी ने हंस कर कहा आप लियाकत बाज़ार में ही खड़े हैं। सब शर्मिंदगी से एक दूसरे को देखकर हंसे। अबू ने ज़्यारत जाने के लिए गाड़ी वाले से बात की, उसने अगले दिन सुबह आने का वादा किया। ये है जी ज़्यारत रेजिडेंसी। ज़्यारत रेजिडेंसी वो है जिसमें हमारे जो कायदे आज़म थे वो रहा करते थे। उन्होंने आखिरी जो ज़िंदगी के अयाम थे वो भी इसी में गुजारे थे। ये कोयटा की फेमस बिल्डिंग है, ठीक है, ज़्यारत रेजिडेंसी। वो ज़्यारत रेजिडेंसी भी देखने गए। अगले दिन सब ज़्यारत के लिए रवाना हो गई। गर्मी बहुत थी इसलिए जगह जगह गाड़ी रोककर झरनों से मुँह हाथ धोए और पानी पिया। रास्ते भर वो आलू बुखारे और सेब के बाग देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। 3 घंटे बाद ज़्यारत पहुँचे। ज़्यारत बहुत खूबसूरत था, हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, दरख्त भी थे और गुलाब के पौधों की बाड़ें भी थी। ठंडी हवा चल रही थी, हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। दोपहर हुई तो बारिश, तो उन्होंने एक होटल में खाना खाया। खाने के दौरान ही आसमान पर काले बादल छा गए और गर्ज चमक के साथ बारिश शुरू होगी। वो सब बहुत खुश हुए। खाने के बाद साथ और दानिश क्रिकेट खेलने चले गए। हफ्सा अपनी मम्मी के साथ टहलने लगी। कुछ और भी बच्चे उनके साथ खेलने आ गए। वो लोग बलोची जुबान बोल रहे थे, उनकी जुबान उन्हें समझ में नहीं आ रही थी मगर फिर भी उनसे दोस्ती होगी। कोयटा क्योंकि बलोचिस्तान में, तो इसलिए वहाँ के लोग बलोची बोल रहे थे। ठीक है, शाम को सब कायदे आज़म की रहाइश गाह देखने के, ये जो मैंने पहले बताया वही है कायदे आज़म की रहाइश गाह, ज़्यारत रेजिडेंसी जिसे हम कहते हैं। शाम को सब कायदे आज़म की रहाइश गाह देखने के, वहाँ पहली बार उन्होंने अखरोट के दरख्त देखे और बहुत हैरान हुए। वहाँ के मुलाजिम ने कायदे आज़म की वो खाबगाह खोल कर दिखाई जहाँ उन्होंने बीमारी के दिन गुजारे थे। साथ ही उनके डॉक्टर और मादे मिलत फातिमा जनाब, जो फातिमा जनाब जो उनकी थी सिस्टर थी कायदे आज़म की, ठीक है, तो उनको मादरे मिलत का दिया था खिताब। उनके डॉक्टर और मादरे मिलत मोहतमा फातिमा जना के कमरे में भी थे। वो हर चीज़ बहुत संभाल कर रखी गई थी। फिर सब रेस्ट हाउस वापस आ गए। इस रात को सब ने बिस्तर में बैठकर खुश्क मेवे खाए। दूसरे दिन भी घूमने गए। 4 दिन बाद ट्रेन के जरिए कराची वापस आए। ट्रेन का सर बस से बहुत तेज़ था। रास्ते में बहुत सारी सुरंगें आईं जिन्हें वो गिनते रहे। कराची पहुँच कर उन्होंने सब घर वालों का सफ़र का हाल सुनाया और साथ ही चेरी और खुश्क मेवे भी दिए जो वो वहाँ से लाए थे। ये जी गर्मी की छुट्टियां, वो 4 दिन के लिए गुजारने क्या कोयटा गए थे। तो आपने भी अपने बताना है, इसकी रीडिंग करनी है और साथ ये भी बताना है कि आपकी गर्मी की छुट्टियां जो आपको कंटिन्यूसली 5-6 मंथ से हो रही हैं, तो आपने इन गर्मी की छुट्टियों में क्या किया। ठीक है, तो ये आज आपने इसकी जस्ट रीडिंग करनी है कि हफ्सा, साद और दानिश जब कोयटा गए थे तो उन्होंने क्या क्या किया था। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।